आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सवाल है, उच्चतर कोशिकाओं में प्रतिरक्षा तंत्र स्व कोशिका और गैर कोशिकाओं में भेद कर सकती है। यदि तंत्र का अनुवांशिक अपसामान्यता के कारण यह गुण नष्ट हो जाए और वह स्व कोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? पहला ऑप्शन यूरोप अस्वीकार कर देना, दूसरा है स्व परीक्षा विकार, तीसरा है सक्रिय प्रतिरक्षा, चौथा है एलर्जी अनुक्रिया। तो जब हमारी जो कोशिकाएं होती है, उच्चतर कोशिकाएं होती है ना, जिनको हम बोलते हैं इम्यून सेल्स, है ना, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमको देती है, प्रतिरोधक क्षमता हमें देती है। और ये कौन सी होती है? टी कोशिकाएं, ये होती है हमारी टी कोशिकाएं। ये जो टी कोशिकाएं होती है ये हमें प्रतिरोधक क्षमताएं देती है, तथा ये ही है जो कोशिकाओं, स्व कोशिकाओं और गैर कोशिकाओं में भेद कर सकती है। अगर यह नष्ट हो जाए किसी भी कारणवश, इनमें असामान्यता हो जाए और यह खुद के जो होते हैं असामान्यता हो जाए और खुद की कोशिकाओं को अगर मारने लगती है, तो उसके कारण एक विकार होता है जिसको हम बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा विकार। यह स्व प्रतिरक्षा विकार होने लगता है, जिसका एग्जाम्पल है माइस्थेनिया ग्रेविस इसी का उदाहरण होता है। इसमें स्व प्रतिरक्षा विकार होने लगता है और अपनी कोशिकाओं को ये मारने लगती है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? स्व प्रतिरक्षा विकार, ऑप्शन टू। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।